ईयर 1996 में जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का आज के टाइम पर अपने आप में वैल्यू रखता है 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक, अगर ये सिक्का होता यूएन सी, लेकिन ये सिक्का यूएन सी नहीं है। दूसरा सिक्का ये वाला 5 रुपए का सिक्का, ये सिक्का स्केयर की कैटेगरी में चला गया आज के टाइम पर। और तीसरा सिक्का ये वाला सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का आज के टाइम पर 100 रुपए से 150 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। आज मैं आपको 5 रुपए के इन तीन सिक्कों की जानकारी देने वाला हूँ, तो चलो जानते हैं कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है और उसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु, मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ। 1996 में इस 5 रुपए के सिक्के को कॉपर निकल से बनाया गया था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सब कुछ क्लियर बताऊँगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मिंट मार्क और ईयर को देख लेना है आपको। 1996 में जो मुंबई मिंट से और हैदराबाद की मिंट से बनाए गए थे वो सिक्के 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वैल्यू रखते हैं, लेकिन जो नोएडा मिंट और कोलकाता की मिंट से बनाए गए थे जिसमें आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, वो कोलकाता मिंट का और नोएडा मिंट के सिक्के में ईयर के नीचे एक डॉट बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दो सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, इनकी वैल्यू 5 रुपये से 10 रुपये हो सकती है। तो ये थे स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु के 5 रुपये के सिक्के, उसमें मुंबई और हैदराबाद मिंट के सिक्के कलेक्टिबल हैं। अब मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, इसको टाइम पास मत समझना, ये आपके काम की जानकारी है। ये वो जानकारी है कि आप इन सभी सिक्कों की फ़ोटो मुझे सेंड ना करें, क्योंकि ये सिक्के रेयर नहीं है और जो सिक्का रेयर नहीं होता है वो कभी भी बिकता नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि इनकी कीमत बढ़ जाए और उसके बाद में आप इनको बेच सको, तो इसके लिए मुंबई और हैदराबाद की मिंट का सिक्का आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, अपने पास संभाल के रख सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इनकी कीमत बढ़ जाए तब आप इनको सेल कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। एग्जीबिशन में भी अगर आप इस सिक्के को लेके जाएंगे तो नहीं बिकेगा, पहले ही बोल देता हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो सेंड करते हैं तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये कॉमन सिक्का है। फ्यूचर कलेक्शन के पर्पज से आप मुंबई और हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएन सी कंडीशन में परचेज करके रख सकते हैं, जिनकी कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है। अब जो आप सिक्का देखेंगे ये एक डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का है 1996, इसको भी भारत के चारों मिंटों से बनाया गया था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, चारों मिंटों से देखने को मिलता है। लेकिन सिक्का वैल्यू कितनी दे सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस कंडीशन में ये सिक्का है ओनली 5 रुपये का है, और अगर ये सिक्का यूएन सी कंडीशन में परचेज करते हैं तब हमें 20 रुपये तक ये सिक्का मिल जाएगा। 1996 में एक हेवी वेट मेटल का कोइन देखने को मिलता है, अगर वो सिक्का होता है तो वो रेयर है, लेकिन कॉमन सिक्के की वैल्यू ओनली जो मैंने आपको बताई 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक हो सकती है। अब अगले सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। ईयर 1996 में हमने अभी तक दो सिक्कों की बात की, दोनों सिक्के कॉमन की कैटेगरी में होते हैं। अब जो सिक्का आप देख रहे हैं ये रेयर की कैटेगरी में आता है और इसकी कीमत इन दोनों सिक्कों से बहुत ज़्यादा है, एक ही साल में जारी किए गए थे लेकिन ये सिक्का अलग है। ये सिक्का बहुत ही कीमती माना जाता है और इस सिक्के की एक खासियत ये भी है कि ये उन्हीं लोगों के पास मिल सकता है जो लोगों के पास में पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट में सर्कुलेशन में तो ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल जैसा ही है। कभी किसी की किस्मत से ऐसा सिक्का मिल जाए तो वो उसकी किस्मत मानी जाती है। देखने वाली बात यह है कि ये भी 1996 का ही 5 रुपये का सिक्का है। इस सिक्के को सेकेंड इंटरनेशनल कॉर्प साइंस की थीम्स पे जारी किया गया है। 5 रुपये के इस सिक्के की आपको कोई पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, इसके डिजाइन को देख के ही आप लोग पहचान सकते हैं, ओनली कीमत की बात कर सकते हैं हम लोग इस सिक्के के बारे में। ये ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो आप सबसे पहले तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लीजिए, नंदू जाट RJ23। अगर ये सिक्का आपको कभी भी कहीं पे भी मिल जाए तो आप मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फोटो भेज देना, और इस सिक्के की कीमत मैं आपको बता देता हूँ 20,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है, लेकिन वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि वो किस कंडीशन में आपको मिलता है। अगर ज़्यादा घिसा पिटा मिलता है तो कीमत इससे भी कम हो सकती है, लेकिन अगर वो यूएनसी होता है तो फिर उसकी कीमत उससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकती है।
तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी इसमें से ओनली एक सिक्का आप मुझे सेंड कर सकते हैं, वो है लास्ट वाला कॉर्प साइंस का 5 रुपए का सिक्का, और यही सिक्का रेयर है 1996 का। अगर आप 1996 का दूसरे सिक्कों की फोटो सेंड करेंगे तो वो उसकी कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो कॉमन सिक्के होते हैं और जो सेल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन करना है तो आप उन सिक्कों का कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब भी कलेक्शन करें यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कलेक्शन करें।